अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द हॉन्टेड पैलेस का मैंने जो है आपके साथ उसकी ये पढ़ी थी, ये पोइम हम इसको पढ़ चुके हैं। आपको याद हो जो है एक पैलेस महल की कहानी होती है, जो शुरू में फर्स्ट फोर स्टैंजास में वो महल बहुत शानदार होता है और लास्ट टू स्टैंजास में वो महल जो होता है वो ख़राब होने लगता है। वहाँ जो है उसका डोर ख़राब हो जाता है, उसकी आइज़ में जो है अजीब से शक्लें नज़र आती हैं वगैरह वगैरह, और उसके शुरू में उसका ताट उसके जो हुक्मरान होता है वो ताट होता है, फिर बाद में जो है वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। अब असल में बज़ाहिर ये एक महल की कहानी है जो शुरू में अच्छा होता है, बाद में जो है वो ख़राब होता है, लेकिन डीपर मीनिंग्स क्या हैं? डीपर मीनिंग्स इसके कुछ और हैं। डीपर मीनिंग्स इन द पोइम द हॉन्टेड पैलेस। अभी जो है मैं आपको इस पोइम के डीपर मीनिंग्स के बारे में बताऊँगी। इसको पढ़ते हैं। इन दिस पोइम द ऑथर लिटरली डिस्क्राइब्स अ पैलेस व्हाइल मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्स अ ह्यूमन हेड। लिटरली अपेरेंटली ऊपर ऊपर से जो है बज़ाहिर अल्फाज का मतलब तो ये होता है कि वो एक पैलेस महल के बारे में बताता है, व्हाइल मेटाफोरिकली लेकिन डीप डाउन डिस्क्राइब्स अ ह्यूमन हेड, इंसान के सर के बारे में बताता है। द बैनर्स ऑफ येलो ग्लोरियस गोल्डन और ब्लॉन्ड हेयर। वो जो बता रहे हैं ना, ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो मैंने बंद किए हुए हैं, ये असल में जो है कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, ये पोइम के अल्फाज हैं, ये वो अल्फाज हैं जो पोइट ने शायर ने खुद इस्तेमाल किए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हमें अगर हम इसको लिखना है तो इसी तरह इसको लिखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको इसी तरह बंद, इसलिए इसको बंद किया जाता है। तो पोइम में क्या लिखा है, बैनर्स ऑफ येलो ग्लोरियस गोल्डन और ब्लॉन्ड हेयर। पोइम में ये था कि बैनर्स ऑफ येलो ग्लोरियस गोल्डन जो है वो महल की छत पर जो है वो लहरा रहे होते हैं। असल में वो क्या होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर, वो येलोविश कलर के गोल्डन कलर के बाल होते हैं जो आमतौर पर इंग्लिश लोगों के होते हैं। द टू विंडोज़ आर आइस, फिर हमें बताया गया है कि उस महल की दो विंडोज़ हैं वो असल में क्या होती हैं, आइस होती हैं। द फेयर पैलेस डोर विद पर्ल एंड रूबी इज द माउथ फुल ऑफ टीथ, फिर हमें बताया गया है कि महल का जो दरवाज़ा होता है, फेयर पैलेस डोर, ये भी पोइम के अल्फाज हैं, फेयर पैलेस डोर, दरवाजे का खूबसूरत महल का जो दरवाज़ा है उसमें क्या लगे होते हैं, पर्ल एंड रूबी, जो खूबसूरत मोती और रूबी, खूबसूरत जो कीमती पत्थर हैं वो लगे होते हैं। वो असल में क्या है, इज़ द माउथ फुल ऑफ टीथ, वो दरवाज़ा असल में माउथ है और वो पर्ल जो होते हैं वो जो है उसके टीथ हैं। द मोनार्क और रूलर इज़ नेम्ड एज टॉट, क्या हमें बताया गया है कि इस महल का जो बादशाह है वो टॉट है। इसका मतलब ये है, विच मीन्स दैट अ पर्सनस हेड इज़ रूल्ड बाय विजडम और इंटेलिजेंस, जिसका मतलब ये है कि इंसान का सर जो है उसका सरबरा कौन, तो उसका मालिक कौन होता है, विजडम या इंटेलिजेंस। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोइम एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड व्हेन सोरोस केम अपॉन दैट हेड इट गोज इन इंसैनिटी, और मैं उसमें पोइम के आखिर में कहते हैं कि महल ख़राब हो जाता है, महल तबाह हो जाता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी शक्लें होती हैं। असल में ये क्या है, उस शख्स की आंखों में अजीब से जो है तसव्वुरात होते हैं, अजीब से जो है शक्लें होती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ख्यालात अजीब से घूम रहे होते हैं, असल में वो पागल हो जाता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोइम, पोइम के आखिर तक एवरीथिंग इज़ डिस्टर्ब्ड, हर चीज़ ख़राब हो जाती है, व्हेन सोरोस केम अपॉन दैट हेड, जब हम उस बंदे के सर पर आते हैं, इट गोज़ इनटू इंसैनिटी, वो सर जो है वो पागलपन की तरफ चला जाता है। तो ये इसके मेटाफोरिकल डीप डाउन मीनिंग्स थे, आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा।